आपको सावन के हिसाब से पड़ता है। गोल यात्रा चल रही है, उस यात्रा में पुष्प वर्षा करके यहाँ आए हैं और यहाँ से उनका जसपुर प्रवास है, सीधे जसपुर निकल जाएंगे। आप लोगों से दो मिनट बातचीत के लिए। रावण महीना का ये तीसरा सोमवार है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन के सोमवार का बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आज हमारा सौभाग्य कि भोरमदेव में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना किए हैं, अभिषेक किए हैं और उनसे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, वर्षा पानी अच्छा बरसे, अच्छा उपजे। और वहाँ अमरकंटक से नर्मदा का जल लेकर हजारों की संख्या में कांवरिये लोग आते हैं, दो दिन पैदल चलकर खाली पैर चलकर आते हैं और भोरमदेव में जलाभिषेक करते हैं। तो पिछले समय में उनके साथ काफ़ी जुल्म हुआ था, तो इस बार उनके ऊपर फूलों की वर्षा किए हैं हेलीकॉप्टर से। आज के प्रेस वार्ता में या प्रेस की इस मुलाकात में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो तीन बार मुख्यमंत्री रहे और छत्तीसगढ़ को विकास के दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाए, और वर्तमान में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे राजनांदगांव। देखिए, हम लोग तो शुरू से गाय को माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं और जितनी सेवा हो सके वो करते हैं। ये लोग तो पिछले बार नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से गौ सेवा करना चाहे, लेकिन कितनी गायें 5 वर्षों में कहाँ कहाँ मरी सबको मालूम है। लेकिन हम लोग गौ अभ्यारण्य शुरू कर रहे हैं और 15 अगस्त के आसपास 2-3 गौ अभ्यारण्य का शुभारंभ भी करने वाले हैं। और जितनी भी गायें रोड में आज बैठी हुई मिलती हैं, जिनके मालिक नहीं होंगे, जो लावारिस होंगे, उनको सबको गौ अभ्यारण्य में रखेंगे, उनका सेवा शुश्रूषा करेंगे। मुख्यमंत्री जो मतलब कोई बदलाव आती है तो उसको हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं रोड पे आ जाएगा और देश को 2 टुकड़े में बांट दिया जाएगा। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन राज्य में इसकी बहुत वोट है, मुसलमान एक वोट है। अब देखिए, उसमें कोई कानून तो आने दीजिए, पहले से कुछ कहना उसने कहा देश में 2 बंटवारे होंगे, इस पर आप आपके मैं बयान चाहता। वो तो गलत बयानी है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम साहब एक बिलासपुर उनके स्वागत में डमरू बजा रहे हैं। अभी तो हम लोग का सौभाग्य है कि कांवरियों का स्वागत करने का हम लोग को अवसर मिल रहा है। एक मौलाना साहब